नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एसजेवीएन लिमिटेड। ये स्टॉक 119 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 4.12% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 46,607 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 81.80 है, बुक वैल्यू इसकी 36.50 है, डिविडेंड यील्ड 1.49% है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है स्प्लिट देखने को हमें मिले। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसकी शॉर्ट में अगर बता दूँ तो ये हिमाचल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल गवर्नमेंट का ये जॉइंट वेंचर है एंड ये जो कंट्रोल करता है वो हिमाचल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड पावर के सेक्टर में भी है, इसकी एक सब्सिडरी भी है ग्रीन एनर्जी, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी करके, तो वो भी है एंड ये भी पावर के सेक्टर में है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी साउंड प्रोजेक्ट है ये, सो सॉरी कंपनी है ये। तो अभी के लिए देखिए तो 50 एंड 200 ईएमए दोनों से ऊपर ट्रेड करा है जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो जो है मीडियम से काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ऑफकोर्स चलने की जरूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हल्का सा हिला है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे, तो देखिए स्टॉक अभी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग उस पर आ चुका है फिर से अपने सपोर्ट पे एंड ये सपोर्ट पहले भी काफ़ी स्ट्रांग साबित हुआ था एंड होपफुली अभी भी स्ट्रांग सपोर्ट ये बन के दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इस सपोर्ट से नीचे गिरता है ये स्टॉक तो मुझे लगता है मेजर सेल वाला जोन आ जाता है, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रांग इसका सपोर्ट है, छोटे छोटे सपोर्ट हैं बीच में बट स्ट्रांग वाला जो सपोर्ट है वो 102 पे बनता है फिर जाके। तो अभी के लिए अगर हम देखें एंट्री के पॉइंट से तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। शॉर्ट टर्म की काफ़ी रिस्की एंट्री है तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि अगर ये नहीं नीचे गिरता है तो, जो कि मैं नहीं चाहती कि गिरे, बट अगर नीचे नहीं गिरता है तो मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा जो कि 126 की बनती है हमारी रेजिस्टेंस एंड अभी ये कर रहा है 118.55 पे ट्रेड। तो मेरे पास, मेरे को लगता नहीं कि इतना कोई रिवॉर्ड है एंड रिस्क की बात करें तो रिस्क मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे एंड प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है। तो वैसे तो कोई न्यूज़ ऐसी मुझे ऐसा सच लगी नहीं कि जिसकी वजह से इतना गिर जाए, बट गिरने को 6-7% भी गिर जाता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे बहुत सोच समझ के बनाऊंगी। तो एक बार ना हम चलते हैं पहले बीएससी पे, तो बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड है इसका 20% का एंड न्यूज़ अभी तक कोई भी नहीं है बीएससी पे ऑफिशियली जिसका इसके प्राइस के ऊपर किसी भी तरीके का, किसी भी मूव में कोई फ़र्क पड़े। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ी सी दुविधापूर्ण है एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं लेके चली हूँ कि यहाँ से दो लॉन्ग टर्म की एंट्री बताऊँगी, क्योंकि बड़े सारा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बार, क्योंकि मैं दो इसी में दो दो टारगेट लेके चलती हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो ईजी है क्योंकि मैं कर रही हूँ, पर हो सकता है किसी के लिए इतना समझना ईजी ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि 31 मार्च तक मुझे लगता है कि यहाँ इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड अगर यहाँ से नीचे नहीं गिरता है तब तो मुझे लगता है कि 31 मार्च तक हो सकता है। आई एम सो सॉरी, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसकी काफ़ी, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता, यहाँ तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री अगर बनानी है तो ये यहाँ तक ट्रेड करता हुआ मुझे लगता है कि हो सकता है, यहाँ से जो यहाँ पे आज अभी ट्रेड कर रहा है तो वो बनता है लगभग 22% के आसपास। एंड अगर लॉन्ग टर्म की हमें एंट्री बनानी है तो मैं दो लॉन्ग टर्म की एंट्री बताऊंगी यहाँ पे। एक जो मुझे लग रहा है कि इसकी ये जो ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो कि मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के एंड तक मुझे लगता है कि 45% तक हमें दे सकता है, इस क्वार्टर के एंड के एंड जब एंड होगा उसके रिजल्ट से पहले जो कि 1-1.5 महीने बाद आता है क्वार्टर एंड होने के बाद, और 31 मार्च को जब क्वार्टर एंड होगा उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है तब तक की मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पे लगभग लगभग 2 महीने पौने 2 महीने के होल्ड की बात कर रही हूँ, और मतलब डेज में बताऊँ तो 45 to 60 डेज के होल्ड की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें 170 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर आएगी जो कि बनता है 157 के आसपास, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस आएगी, आसान नहीं होगा ये, पर मुझे लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा साथ दे, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो की एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि हाँ क्रैश ही आ गया कोई मार्केट में, तो मैं उस चीज़ को नहीं इसमें ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा हो सकता है,
इन फ्यूचर, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ काउंट नहीं करी होती है। तो इसीलिए उसी चीज़ों को यू नो उसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए, और ये दूसरी लॉन्ग टर्म की एंट्री है, वो ये है कि 200 तक मुझे लगता है कि ये जून के मिड तक या जून के एंड तक मुझे लगता है ये जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में जो भी इलेक्शंस का सारा सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो मुझे लगता है कि फिर से ये रैली पकड़ सकता है एक बार, ठीक है। तो ये है मेरी एनालिसिस, एंड इसमें कोई बाई सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।